नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल वी हमराज ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वक्त हम लोग हैं विशाखापट्टनम में, जिसे वाइजाग के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सबमरीन म्यूजियम है, जो कि एक सबमरीन जहाज है जिसे हम पनडुब्बी भी बोलते हैं हिंदी में। और मेरे पीछे इस साइड आप देख सकते हैं, ये जो कि आप देख सकते हैं ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम है, दोनों आमने सामने है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सबमरीन म्यूजियम में, जो कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं। तो इस म्यूजियम में हम लोग जाने वाले हैं और आपको वीडियो में हम सभी चीज़ें दिखाएंगे और क्या टिकट की प्राइस होगी वो सभी चीज़ हम वीडियो में मेंशन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई भी जवाब व सुझाव हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं ये टिकट का प्राइस यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं एडल्ट के लिए 40 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़ है। कैमरा का देख सकते हैं यहाँ पे 50 रुपीज़ दिया गया है। और सामने में देख सकते हैं यहाँ पे टिकट मिल रहा है। तो चलिए टिकट लेते हैं। तो देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है आप, और ये देख सकते हैं अपना ये सबमरीन म्यूजियम देख सकते हैं आपके सामने। ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और बहुत ही बड़ा ये सबमरीन म्यूजियम, जो कि आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमरीन में कौन कौन से पार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, और सबमरीन म्यूजियम को कैसे निकाला गया था उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हैं आप किस तरीके से निकाला गया है, उसके वो दिखाया गया है डिटेल यहाँ पे। देख सकते हैं सबमरीन की बाकी सारी डिटेल इसमें दिया गया है, कैसे काम करता है उसके बारे में। अगर आप लोग यहाँ तक आएंगे तो इस चीज़ को आप ज़रूर गौर कीजिएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं सबमरीन के बारे में, यहाँ पे आप सभी को ये चीज़ें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिकेटर ब्लू है देख सकते हैं, और ये जो है कि सबमरीन म्यूजियम का जो अंदर बैटरी लगते हैं वो देख सकते हैं। ये लंगर है, कितना हैवी लंगर है ये देख सकते हैं, बहुत ही भारी लंगर है। और ये बैटरी आपको दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं ये लंगर, और उसी के बगल में ये बैटरी भी है देख सकते हैं। वहाँ आपके सामने जो ये बैटरी दिखाई दे रहा होगा आप देख सकते हैं ये वीडियो में, कितनी हैवी बैटरी यहाँ पे रखा हुआ है देख सकते हैं। ये सबमरीन म्यूजियम के अंदर लगा होता है, जो कि सबमरीन इसी से चलता है और इंजन से भी चलता है। तो चलिए सबमरीन के अंदर हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं एक टॉरपीडो है, और उसके बारे में वहाँ देख सकते हैं बोर्ड में इंफॉर्मेशन दिया गया था, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कई तरीके की आपको यहाँ पे मिसाइल देखने को मिलेंगी टॉरपीडो, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सोलार सिस्टम है देख सकते हैं, इसको भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो चलिए हम अंदर सबमरीन के चलते हैं, एक बार इस साइड से देख लीजिए सबमरीन कैसा है। तो देख सकते हैं हम लोग सबमरीन के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं सबमरीन के अंदर क्या क्या है और क्या क्या दिखता है हमें। तो सबमरीन के अंदर हम लोग इंटर कर चुके हैं देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सबमरीन में आपको हर जगह इसमें केवल मशीनी और उसके कार्य करने की जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन लोग इसमें जो है अपना योगदान दिए हैं, कौन कौन से सैनिक हैं, यहाँ पे सभी सैनिकों को जो है फ़ोटो आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे आपको इंजन से पूरा चारों तरफ इंजन कंपार्टमेंट भी दिखाई देगा देख सकते हैं यहाँ पे, और कैसे हमारे इंडियन नेवी वर्क करते हैं उन सभी चीज़ों को दिखाया गया है इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपको दिखाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत ही टफ लाइफ होती है सबमरीन म्यूजियम में
जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि अंदर हिलने का इतना अच्छा सुविधा नहीं होता, इसे काट के बनाया गया है। और ये देख सकते हैं, ये हैंड वाश है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है सबमरीन के अंदर। और चीज़ें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो है कि किचन कैसा है और रेस्ट रूम कैसा है, वो सभी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, अभी आपको आगे और चीज़ देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं एक टेलीफोन है, देख सकते हैं कुछ टेलीफोन जैसा ही है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी मशीनरी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने काम किया, उनकी तस्वीर है देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि अपना कार्य कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर काम कर रहे हैं, बहुत से पद यहाँ पे है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सबमरीन म्यूजियम सबके अलग अलग पद होते हैं। और देख सकते हैं ये डाइनिंग टेबल है जिसमें इंडियन नेवी के ऑफिसर जो कि अपना लंच डिनर जो भी होता है वो कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगी सबमरीन म्यूजियम में। हालाँकि यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडियन नेवी के जो ऑफिसर होते हैं उनके बेडरूम है जो आराम करते हैं, देख सकते हैं आप। कुछ ऐसी होती है लाइफ सबमरीन म्यूजियम के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि इसमें स्पेस बहुत कम होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पे मशीनी मशीन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस आप देख सकते हैं कितना कम स्पेस है, और यहाँ पे ऐसे ही स्पेस होता है। ये भी देख सकते हैं एक रूम है जो कि आराम करने के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेडल है, और अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये एक जो है छोटा सा किचन टाइप का है, ये देख सकते हैं ये। और यहाँ पे देख सकते हैं ये किचन जिसमें देख सकते हैं दिखाया गया है इडली बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने का मौका मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको केवल मशीनी मशीन देखने को मिल रहा होगा। और इसमें केवल मशीनी मशीन है, इसमें दो तरीके से ये सबमरीन जहाज जो है हमारा जो है चलता है। पहला जो है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक से चलता है जो कि बैटरी के द्वारा, और दूसरा है कि जो है कि ये मैकेनिकल तरीके चलता है, देख सकते हैं ये इंजन कंपार्टमेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इंजन ही इंजन आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सबमरीन दो तरीके से चलता भी है, जैसा कि मैंने भाई बताया है, पहला कि जब पानी के अंदर होता है, और ये पानी के बहुत गहराई में भी काम करता है, जैसा कि आपको मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये पानी के अंदर में जब रहता है तो ये बैटरी पे कार्य करता है, और ऊपर में जब ये सबमरीन चलता है तो ये इंजन के द्वारा चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी हैवी हैवी इंजन आपको दिखाई देगी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इंजन और बहुत सारे कंपोनेंट के द्वारा मिला के इस सबमरीन म्यूजियम को तैयार सबमरीन जहाज को ये तैयार किया गया है, जैसा कि देख सकते हैं ये, जिसे पनडुब्बी बोलते हैं आपको मालूम होगा। और भारत पाकिस्तान के बाद जो है कि इसे रिटायर कर दिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हैंड वाश देख सकते हैं, हालांकि इसमें पानी की बहुत कम आपूर्ति होती है, पानी सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉयलेट, देख सकते हैं ये टॉयलेट रूम कैसा है, ये देख सकते हैं बेडरूम है जो कि आराम करने के लिए होता है, देख सकते हैं। कुछ ऐसी लाइफ होती है सबमरीन म्यूजियम में जो कि इस वक्त हम लोग हैं, आपको पता है, देख सकते हैं कुछ ऐसी ही लाइफ होती है सबमरीन जो है कि जहाज की, कुछ देख सकते हैं आप। हालांकि ये दरवाज़ा जो देख सकते हैं इसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि सबमरीन का जो है कि ऐसा दरवाज़ा नहीं होता है। और देख सकते हैं ये रोशनदान है, और हालांकि इसमें बहुत सारी मशीन और बहुत सारी जो है कार्य करने की चीज़ें हैं, हालांकि इसमें हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें एक गाइड होते हैं जो बताते हैं कि ये सबमरीन के बारे में, और वो गाइड्स जो हैं कि अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं, इसीलिए हमको उतना जानकारी नहीं है। हालांकि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारी मशीन और बहुत सारी चीज़ देखने का मौका मिलेगा, और आपको रियल सबमरीन देखने का मौका मिलेगा जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमने जो है कि सबमरीन में आपको दिखाया है और अंदर में जो है पूरी मशीनी है पूरी, और देखा है आप लोगों ने कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग कभी भी विशाखापट्टनम आते हैं तो सबमरीन म्यूजियम को जरूर घूमें, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लेस घूमने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने पूरा सबमरीन घुमाया है और इसके टिकट के प्राइस भी हमने वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।